السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه صدق الله العظيم استيج پر تشریف فرما چیئرمین کڑپا اسلامک ویلفر سوسائٹی ڈائریکٹر صدر محترم ذمہ داران کڑپا اسلامک ویلفر मदरसा ओस्मान इबन आफ़ान के नाजिम महतरम दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे अलामा कराम मेहमान एज़ाम ज़िम्मेदार से सोसाइटी से जुड़े हुए दीगर तमाम अहबाब सब से पहले मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारों को कि आज चार साल के बाद इस इंतखबी महफिल में हम सब को जमा किया है और इन चार सालों में जो हदफ तय किया गया था वो हदफ कितना और कहाँ तक हासिल कर चुकी है सोसाइटी उसका जायजा भी पेश होगा और आइंदा के लिए लाह आमल भी तैयार किया जाएगा मैं इसके लिए मुबारकबादी पेश करता हूं मुझे जो अनुमान दिया गया है हकीकत यह है कि यह सबसे ज्यादा मुश्किल अनुमान है मुश्किल इस माना में है कि किसी के भी पॉकेट से उसकी जेब ख़ास से चंद रुपए और पैसे निकलवाना ये बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल काम होता है और मुझे इत्तिफाक है कि वही जिम्मेदारी दी गई है लेकिन अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए मैं अपनी बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ मैंने आपके सामने कुरानी मजीद की आयत पढ़ी है इस आयत में अल्लाह आलमीन इरशाद फरमाता है ए ईमान वालों जो मैंने तुमको दे रखा है अता किया है उसमें से ख़र्च करो उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन की किसी भी तरह की कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी न किसी सिफारिशी की सिफारिश कबूल की जाएगी न किसी दोस्त की दोस्ती काम आएगी मुराद इससे वो दिन है जिस दिन को हम हशर का दिन हिसाब व किताब का बदले का दिन कहा करते हैं अजीजा ने मोहतरम जब अलैहि वाली वसल्लम ने सहाबा रजी अनु मजमाइन को ये आयत और इस तरह के इन्फाक फी सबील्ला वाली जितनी भी आयात हैं सुनाया सहाबा ने इन्फाक फ़ी सबील अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़लसफ़े को समझ लिया और वो फ़लसफ़ा ये है कि क़ुरानी मजीद में अल्लाह ने जहां भी ख़र्च करने का हुक्म दिया है मैं चाहता हूं कि आप भी इस फ़लसफ़े को समझें हम भी इस फलसफ़े को समझें बल्कि मैं आज से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अब्दुलवदू साहब ने जो आज एक लफ्ज़ दिया है मैं के बिलमकबिल हम इन शह कोशिश करूँगा कि हम हर जगह हम का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि उसमें हम भी और आप भी दोनों शामिल रहें तो हमको उसका फ़लसफा समझना चाहिए वो फलसफा ये है कि अल्लाह ने कुरानी मजीद में हर जगह माल खर्च करो खर्च करो खर्च करो जहां भी कहा वहां अल्लाह ने यह लफ्ज भी इर्शाद फरमाया रजक ना कुम रजक ना कुम आतई ना कुम आतई ना ये जो तुमको मैंने खर्च करने की बात कही है ये असल में दिया हुआ मेरा है आता किया हुआ मेरा है मैंने तुमको दे रखा है मैंने तुमको आता कर रखा है और ये बात बड़ी अजीब है अल्लाह दे दिया है और उसके बाद अल्लाह कहता है कि अब लाओ उसमें से तो अल्लाह की तो समझ में बात आती है कि दिया हुआ उसका है और वो मांग रहा है लेकिन जब इंसान ये कहे कि नहीं मेरे पास नहीं है रहते हुए इनकार करने लग जाए जरूरत है और उसके बावजूद वो खर्च ना करे जरूरतमंदों की वो जरूरतें पूरी ना करे अपनी दौलत को छुपा छुपा करके कर कर रखे तो गोया वो ये बात कर रहा है कि ये तो मेरा है मेरा है मैंने कमाई की है मैंने मेहनत की है मैंने जस्तुजू की है इसके लिए पसीने हमने चलाए हमारे पसीने छोटे हैं हमारे हाथों की ये कमाई है मेरी मर्जी मैं खर्च करूं या ना करूं ये जो फलसफा इंसान ने सीख लिया वहां से हमारे दरमियान में हमारे अंदर ये कमी आ गई कि हमने माल को खर्च करने में बुख्ल से काम लेना शुरू कर दिया बुख्ल और कंजूसी हमारे अंदर आ गई और उसकी वजह से वो माल जो अल्लाह ने हमको आता किया था वो माल अब ऐसी जगहों पर खर्च हो रहे हैं जहां अल्लाह खर्च करने का हुक्म नहीं देता है बल्कि मना फरमाता है चुनान इस तरह हमारा माल बर्बाद होने लगा जाय होने लग गया अहतरम रसूल सल्हु ने साहबा के राम रिजवान तला को इस पर अमल करने से पहले खुद अमल करके बताया है आप अल सलात सलाम का मिजाज क्या था खर्च करने का अगर मैं इमाम बुखारी रहमत आल की बुखारी शरीफ के हवाले से बात कहूँ तो इमाम बुखारी रहमत आल ने हदीस नकल फरमाया कि रसूल सल्ह वसलम आंधी जो चलती है री है जो चला करती है हर इंसान को ठंडक पहुंचाती है हवा जब चलती है हर इंसान को वो ठंडक पहुंचती है उससे ऐसे ही रसूलुल्लाह रसूल की ज़ात इन्फाक के सिलसिले में खर्च करने के सिलसिले में दूसरों की जरूरत पूरी करने के सिलसिले में अल्लाह के नबी अली सलाम की, की जात से तमाम इंसानों को फायदा पहुँचाया पहुंचता था रसूल अक्रम सम का जो ये मिजाज था साहब करम रिजवान ती में आया हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तु जिनके बारे में हम और आप ये जानते हैं कि ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने रसूल सल्हुसम की जान और माल तमाम चीज़ों से मदद फरमाई है अल्लाह के नबी आलातम के आखिरी लम्हे में आपने बाबा इस बात की गवाही दी कि अबू बकर वो हैं जिसने मेरी ऐसे वक्त में मदद की है जिस वक्त की हमें माल की जरूरत थी अबू बकर ने माल से हमको मदद किया हमें इंसानों की जरूरत थी तो अबू बकर ने इंसान ला करके हमको दिए हज़रत बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तौन के बारे में आता है कि जिस वक्त हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त हजरत बकरीक रजी अल्लाह तन चालीस हजार दिरहम के मालिक थे बड़े कारोबारी थे चालीस हजार दिरहम कम बड़ी दौलत नहीं होती है रकम छोटी नहीं होती है बहुत बड़ी दौलत होती है हजरत बकरी रजी इस्लाम कबूल करते हैं और हालत आपकी ये होती है कि अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं कभी हजरत ब बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तन जंगी साजो सामान की तैयारी में अपने पैसे लगा रहे हैं कभी गुलामों को खरीद रहे हैं और खरीद करके अल्लाह के लिए उनको आजाद कर रहे हैं हजरत बिलाल हबशी बिलाश रजियाल कौन है हजरत बिलाल हबशी हैजरत बिलाश रजील वो सहाबी हैं जिनको हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह बकरील्ला ने अपनी रकम से अपने पैसे से खरीदा था और खरीद करके उनको आज़ाद किया और मुसलमान वो बने अजीजा ने महतरम हजरत बो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन का हाल ये हुआ कि मक्तुलमकरमा में बारह से तेरह साल के अरसे में वो चालीस हजार दिरहम के मालिक शख्स बारह से तेरह साल में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि हिजरत के वक्त में उनके हाथ में सिर्फ चार हजार दिरहम होता है बारह साल में आदमी कितना खर्च करेगा और इन बारह साल में उनका कारोबार भी चलता था उसके बावजूद अब सूरत हाल यह है कि उनके पास सिर्फ चार हजार दिरहम है। और उसी हालत में हजरत बकर ने वसल्लम के साथ सफर किया है गनी जब खर्च करने की बात आती है सखावत की बात आती है इनफाकल्ला की बात आती है तो हजरत ओसमान गनी रजी अल्लाह तन का नाम लिया जाता है और जाहिर है कि हजरत उस्मान का नाम लिए बगैर सखावत और फयाजी की तारीखी मुकम्मल नहीं हो सकती है तु हैं जिन्होंने इस्लाम के ताउन के लिए क़लीमतुल्लाह के लिए दीन की तबलीग और दीन की नशर व लिए हमेशा अपनी दौलत के देहाने खोले रखे आपने, हमेशा बेदरे खर्च किया है गजब तबूक का वाक्य देखिए आप जब पता चला मुसलमानों को मालूम हुआ कि रोमन एम्पायर की तरफ से कैसर रोम ने ऐलान कर दिया है और वह मदीनतरसूल के ऊपर हमला करने जा रहा है वाली वसल्लम ने ऐलान फरमाया चंदे का सहाबा कर अपनी अपनी हैसियत से जिनको जो होता था वो लाए ला, ला करके दिया चुनानचे कोई सहाबी है जो अपने दामन में भर कर खजूर लेकर के आ रहा है कोई जौ लेकर के आ रहा है जिसके पास जो मयसर था सब ला करके पेश कर रहे उसी दरमियान में आप जरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का वाकिया पढ़ते हैं अल्लाह के नबी ने पूछा एमर क्या लेकर के आए हो तो हजरत रजील ने क्या कहा था हजरत उमर ने कहा था या रसूल मैंने अपनी कुल जायदाद कुल असास जितनी भी मेरे पास दौलत है उसका निसफ उसका आधा हिस्सा मैंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया अल्लाह के लिए चंदा दे दिया है जरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह आते हजरत अब बकर से पूछते हैं अब आप क्या लेकर के आए हजरत अबोबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा था यार घर गया घर में देखा जो कुछ भी मेरे पास था जितना कुछ भी था सब मैंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है सब मेरी तरफ से अल्लाह के लिए चंदे में मैंने दे दिया है अल्लाह के नबी सलाम ने हजरत अब बकर से पूछा था अबू बकर फिर तुमने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है हजरत एबूबकर रजी अल्लाह तौन का वह जज्बे ईमानी आप देखिए अल्लाह के ऊपर तवक्ल भरोसा आप देखिए हजरत अब बकर सद्दीक रजी अल्लाह ने कहा था कि या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत मैंने छोड़ी है अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत काश के वह जज्बा हमारे पास भी आता काश की वो तोल और यकीन जो हज़रा साहब कर राम रिजवानल तली मजमय को अल्लाह ने आता फरमाया था तो वह हम भी, भी मिलता आप देखें हजरत ओसमान गनी रजी अल्लाह मौके से तकरीबन चालीस हजार का लश्कर तैयार किया गया था तीस हजार लश्कर पापयादा उनके पास सवारी नहीं है और सिर्फ दस हज़ार लश्कर ऐसा है मुसलमानों का जिनके पास अपनी सवारी है हज़रत ओस्मान गनी रजी अल्लाह तन खड़े होते हैं रसूल्लाह वसल्लम से अर्ज करते हैं यारसूल दस हजार लश्कर के कुल साजो सामान की तैयारी मैं बिन अफान करूंगा चुनानचे हजरत ओसमान गनी रजी अल्लाह तन ने दस हजार लश्कर को तैयार किया और उस लश्कर को तैयार करने में लिखा गया है रिवायतों में कि एक तस्मा की भी जरूरत पड़ी है तो हजरत ओसमान गनी रजी अल्लाह के पैसे से उसका इंतजाम किया गया है जाते वक्त में हजरत ओसमान गनी रजी अल्लाह ने दिगर और साहबा के लिए कई हजार घोड़ों का इंतजाम किया एक हजार दी दीनार भी अल्लाह के नबी सलाम की खिदमत में ले जाकर के पेश फरमाया तो ये जज्बा है साहब के राम रजवान तजमयन के जिनको अल्लाह ने यह समझा दिया था मैंद लोगो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब खर्च हो जाने वाला है उसमें तुम्हारा कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहने वाला है वो मंद बा और जो कुछ तुम इस दुनिया से अल्लाह के पास भेज देते हो अल्लाह के रास्ते में डाल देते हो अल्लाह के लिए तुम खर्च कर देते हो वही असल में बाकी रहने वाला और वही तुम्हारे फायदे आने वाला है ये फलसफा हज़रा साहब के राम रिजवानल तजमाइन ने समझ लिया था आज जरूरत है कि हम भी इस मसले को समझें हम भी इस बात को गौरव फिक्र करें कि हमारा है क्या आज एक इंसान खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है ये मेरा माल मेरा माल है मेरा माल है मेरा माल है अल्लाह के नबी सला की खिदमत में एक बेटा आता है बेटा आकर के कहता है अपने बाप की शिकायत करता है और कहता है या रसूल اللہ, ये मेरा माल है मेरा बाप मुझसे मांगता है अल्लाह के नबी सला तल हो रसूल वम के नबीतम का चेहरा अन रंग बदल जाता है मुत्यर हो जाता है और भड़क जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं रसूल और आरस करते हैं, तुम कहते हो मेरा माल मेरा माल, अंत मालू का तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है तुम्हारा क्या है तुम्हारे बाप ने तुम्हें जना ना होता तुम्हें वजूद ना मिला होता तो तुम्हें दुनिया की ये जिंदगी नसीब नहीं होती थी तो तु, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं और बाप कौन है बाप वो है जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी है मालूम यह हुआ कि इंसान जिस माल को अपना माल कहता है हकीकत में उसका सिर्फ उस माल में उतना ही है जितना वो इस दुनिया में खा लेता है पहन लेता है अपने जिस्म के ऊपर खर्च कर लेता है वही उसका अपना है जो इस दुनिया में उसको फायदा पहुंचाने वाला माल है बाकी जो अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर देता है वो उसका है इन दो माल के अलावा तीसरा उसका कोई माल नहीं है और जितना भी माल है वो या तो उसके बेटे का है उसकी बेटियों का है उसके भाई का है उसकी बीवी का है मरने के बाद जो शर् वर्षा होंगे उनका वो होगा तो इंसान का अपना माल है कहाँ सिर्फ वो माल है जो अल्लाह के पास है जो खर्च हमने कर लिया अपने जिसम पर वो है इस फलसफे को अगर हमने समझ लिया तो इन श्ला फिर हमारे लिए भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना आसान हो जाएगा अभी हमारे पास दो मिनट और है इन बात को ख़त्म करना चाहता हूँ अजीजा ने मोहतरम हमारे जो असलाफ रहे हैं हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जो हमारे लिए हर अमल में एक नमूना रखते हैं एक करेक्टर उनका होता है जिनको हमको फॉलो करने से अल्लाह और उसके रसूल की भलाई हमें हासिल हो सकती है आप देखें हमारे अकाबरीन में बड़े ऐसे गुजरे हैं जिनका जिंदगी का मामूल था कि जब कभी भी तनख्वाह उनको आया करती थी तनख्वाह आती थी तो वो उस तनख्वाह की एक फीसद मुकर कर रखे थे उस फीसद से वो तनख्वाह निकालते थे और उसको संदूक तबर्र सदक़े की थैली के नाम से एक थैली होती थी उस थैली में ले जाकर के रख दिया करते थे और उसी थैली से निकाल निकाल कर गरीबों महताजों मस्किनों ज़रूरतमंदों और तंजीमों इदारों में वो दिया करते थे ये मिजाज हुआ करता था हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब नौ मरकद हो जिनका नाम हम जानते हैं सुनते हैं मारिफुल्क्रन जिनकी है उनकी जिंदगी का एक हादसा है इतने बड़े आलम दीन है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमत आल के बारे में आता है वो जुमला मैं नकल करना चाहता हूँ आपसे और ये खास तौर से जिम्मेदारों के लिए वो कहा करते थे कि लोगो जिस तरह तुम उम्मत को जब तक ये कहते रहोगे कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो उस वक्त तक उम्मत के लोग नमाज पढ़ते रहेंगे नमाज की अहमियत को समझेंगे और जिस दिन तुम ये कहना छोड़ दोगे उस दिन वो भी नमाज पढ़ना छोड़ देगी तो ऐसे ही हजरत मौलाना हकीम उलम्मत इस मिसाल के बाद कहा करते थे कि इस उम्मत को कहो खर्च करो मदरसे में पैसे ला करके दो मदरसे के बच्चों के लिए जो अखराजात हैं वो ला करके दो चंदे दो उनसे मांगते रहो जब तक तुम मांगते रहोगे वो देने के लिए तैयार रहेंगे जिस दिन तुमने मांगना छोड़ दिया तो वो भी देना छोड़ देंगे हजरत हकीम मिलम्मत रहमत का यह मशहूर जुमला है चुनान छे आज जो मदारिस हैं जो भी इदारे हैं जितनी भी तनजीमें चल रही हैं ये कहाँ से पैसे लाते हैं मुसलमानों के जेब से पैसे लाते हैं उनके जो भी सदक़ात होते हैं उनकी तरफ से जो भी यातिया दिए जाते हैं जक़ात की रकम दी जाती है उन्हीं से ये सारे इदारे चलते हैं अजीजा ने मोहतरम जब तक उम्मत से मांगा जाएगा उम्मत के लोग देते रहेंगे और जिस दिन हमने मांगना छोड़ दिया यकीन जानिए फिर लोग भी देना भूल जाएंगे आज सूरत हाल ये है कि दो साल कोविड के नाम पर मदरसे के लोग चंदा करने के लिए नहीं आए और आज हालत यह है कि बड़ी से बड़ी मस्जिद में एक ऐलान होता है आप जाकर कभी खड़े होकर उस सफीर के रूमाल को देखिए बमुश्किल हजार की तादाद होती है और पैसे बमुश्किल ढाई सौ तीन सौ रुपए भी उनको नहीं मिल पाते हैं वहां क्यों यह सूरत हाल बनती जा रही है हम क्यों बखील बनते चले जा रहे हैं मैं आखिर में बस यह हदीस बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं अल्लाह के नबी सलाम ने इर्शाद फरमाया कि तुम बुखल से बचो इत तुम बुखल से बचो कि बुखल यही वो बीमारी है जिसने इससे पहले की उम्मतों को हलाक और बर्बाद कर दिया था मजीद तो साफ लफ्ज़ों में ऐलान करता है फमीन को मई अब खल वल फिनफ़सी वहनी व अन तुम्हरा तुम में से अगर कोई शख्स बुखल करता है बखीली करता है कंजूसी करता है तो उसका नुकसान अल्लाह को नहीं होने वाला है अल्लाह के दीन को नुकसान नहीं होने वाला है अल्लाह के दीन की तालीम और तबलीग और नशर इशात में कोई कमी नहीं आने वाली है अल्लाह वो काम लेता रहेगा उस जगह पर उन बखीलों की जगह पर अल्लाह ऐसे दिलदारों और मालदारों को खड़ा करेगा जिनसे अल्लाह ताला काम ले लेगा लेकिन नुकसान होगा उसको जो खुद बुख़ल से काम लेता है कंजूसी से काम लेता है अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है हकीकत में हम और आप उसके मोहताज हैं अल्लाह हम सब को तोफ़ी अतः फ़रमाए कि हम सब खर्च करने वाले बने दीनी इदारों मदारस तंजीमों जमातों के साथ जुड़ कर उनके जितने भी मसाइल हैं दामे दरम कदम सुखने हर तरह से उसका ताउन करें अमसब को इसकी तो़ीक़ा फ़रमाए वामादिल्लबालमी